नर्स एसोसिएशन की हड़ताल लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ ने कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में रखेंगे। वहीं नर्सों का कहना है कि कोविड काल में नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, लेकिन सरकार ने नर्सों के साथ अन्याय किया है। नर्सों की हड़ताल को लेकर छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष से फोन पर चर्चा कर हर संभव मदद देने का वादा किया। सांसद नकुल नाथ ने नर्सों की मांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर संसद तक में रखने की बात कही। वहीं नर्सों का कहना है कि यदि कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो हमारी मांगें मान ली जाती। नर्सों की सरकार से मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए। इसके साथ ही पेंशन, मेल नर्स की नियुक्ति सहित कुल 12 मांगें उन्होंने रखी हैं। वहीं कोविड काल में कुछ नर्सों को रखा गया था और सेवा लेने के बाद उनकी सेवा समाप्ति के नोटिस दे दिए गए, जिससे नर्स अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। नर्सों की मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए। नर्सों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीजों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कुछ आपके सामने अपनी मांगे पूरी रखना चाहती हूं, तो कृपया आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुंचाइए। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल पहुँचाऊंगा। आपके जो 12 मांगे हैं उसकी जानकारी मुझे है जी, तो मैं क्या आपके सामने वो 12 मांगे बोल सकती हूँ क्या? हाँ, बोल सकते हैं जी। अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड उच्च स्तरीय वेतनमान लागू किया जाए। 2004 के बाद नियुक्ति सभी स्टाफों की पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए। कोरोना काल में द्वारा जितनी भी घोषणाएं की, स्टाइफंड मिल रहा है, क्योंकि 13,000 रुपये मिलना चाहिए, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कमलनाथ जी जब तक थे तब तक हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमको विश्वास ही खत्म हो गया। असहाय महसूस करते हैं हम लोग। कमलनाथ जी रहते तो शायद हम लोग की बहुत हेल्प करते, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि शायद हम लोग की मांगे आप तक ऊपर पहुंचाएंगे। नहीं, आपकी मांगे मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगा जी। ये जो आपकी मांगे हैं आप इसको जरा साइन करके जी नाम से प्रबल को पकड़ा दीजिए जी। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली के संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के नर्सों के साथ क्यों हो रहा है जी? मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ ही हो रहा, और जगह समान वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को ही सिर्फ नहीं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहाँ पर तो मिल रहा है सेकंड ग्रेड पे, लेकिन हम लोग के यहाँ बस मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सरकार की तरफ से। आपसे झूठे वायदे किए गए हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज है और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, भोपाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों ने यहाँ 12 सूत्रीय मांगे रखी हुई है उसके निपटारे के लिए उन्होंने बोला है कि वो हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन देकर गया है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरी करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।